लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इंद्र भट्ट, सिटिंग सांसद तीरथ सिंह रावत समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इससे पूर्व भाजपा प्रत्याशी ने स्टेशन से धार रोड तक विशाल रोड शो भी निकाला और वोटर्स के समर्थन भी मांगे। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि जनता का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है, जिससे गढ़वाल सांसदीय सीट से उनकी जीत की राह आसान हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीट पर इस बार कमल का फूल जनता खिलाने जा रही है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। पार्टी के कर्मठ नेता, दिग्गज नेता और कार्यकर्ता आज अनिल बलूनी के सहयोग में यहाँ नामांकन की इस यात्रा में आए। आप सब मीडिया के मित्र जब इसमें उपस्थित रहे, आपने देखा कि हर गली, हर नुक्कड़, हर नागरिक से एक ही आवाज़ आ रही थी, मोदी अब की बार 400 पार। तो मैं अभिभूत हूँ कि 400 पार की श्रृंखला में एक कमल का फूल अनिल बलूनी जी के शुभ हस्तों से भी भारत के प्रति अर्पित किया जाएगा। ये आज मैंने नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारा पूरा संगठन, हमारे वरिष्ठ नेता हम लोगों के साथ हैं और हमारा जो संकल्प है पुनः से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, पुनः प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करें। एक जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का संकल्प लेके हमने नामांकन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे उत्तराखंड में पांचों कमल के फूल हम मोदी जी को देंगे। बड़ी मात्रा में, बड़ी मतों से पांचों सीटें हमारी जीतेंगी। गढ़वाल सीट भी बड़े मतों के साथ जीतेंगे और उत्तराखंड में जो अगला दशक उत्तराखंड का प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो होगा, उसको चरितार्थ भी करेंगे और गढ़वाल में भी विकास का एक नया अध्याय हम लोग लिखेंगे।